आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, धीरे धीरे ग्रामीण गांव से कर रहे हैं पलायन। जी हां, रायबरेली जनपद के सरैनी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक और सरैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रही है। वहीं कटरी के समीप बसे गांवों पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा है। कटरी से सटे गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि यदि गंगा जी के जल स्तर में एक दो दिन में ऐसी ही बढ़ोतरी होती रही व जल स्थिर न हुआ तो सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण पलायन पर मजबूर होकर निस्घर गाँव में आकर अपना आशियाना बना लिया है। भक्ताखेड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मुहैया कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रविवार को नवागत एसडीएम सुरेश कुमार सोनी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की इस समस्या से रूबरू होते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था और साथ ही ग्रामीण को अपना फोन नंबर देते हुए कहा कि यदि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। उफनाती गंगा नदी ने पूरे परिवहन, पुख्ताखेड़ा, पूरे शकरू, पूरे बंसी, राम प्रसाद, हरिहन, भुल्ली आदि कटरी से सटे गाँवों की नींद उड़ा कर रख दी है। फिलहाल गांव नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण उपरोक्त गांव के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गई है। प्रतिदिन हो रही जलस्तर में वृद्धि, लोगों ने पलायन पर मजबूर होकर सुरक्षित स्थान खोजना शुरू कर दिया है। अगर ऐसे ही जलस्तर में वृद्धि होती रही तो कई गांव जो कटरी से सटे हुए हैं वे जलमग्न हो जाएंगे। बाढ़ का खतरा बढ़ जाने से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो कि चिंतनीय है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन ग्रामीणों की हर संभव मदद कब और कैसे करता है। तुम्हारा क्या नाम है? श्रीकांत। कहाँ रहते हो? भक्ताखेड़ा। कटरी? भक्ताखेड़ा कुटिया है तुम्हारी, कटरी। ये बताओ तुम्हारे यहाँ जो गंगा जी बढ़ी है कब से बढ़ी है तुम्हारे यहाँ गंगा जी? ये हो गया लगभग एक सप्ताह से गंगा का बाढ़ चल रही है यहाँ पर। क्या तुम लोग घर के पास गंगा जी पहुँच चुके हैं? घर के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पूरा गाँव घेर चुका? पूरा गाँव घेर चुका, केवल घर ही घर केवल बचे हैं। बाकी जो फसल थी तो फसल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब क्या बताया जाए कि लगभग हजारों बीघा की तादाद में धंधे का नुकसान हुआ है। धंधे में क्या नुकसान हुआ? खेती का? खेती में परवल, धनिया, प्याज, इसी तरह के सब कारोबार का धंधा था। ये लगभग कितने बीघा नुकसान हुआ होगा पूरे कटरी क्षेत्र का? कटरी क्षेत्र का लगभग हुआ होगा कम से कम 1200 बीघे के ऊपर। तो लगभग तुम लोग इन सब में कितने रुपए का बीज डाल के कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? इसमें बीज पड़ा रहा होगा लगभग कम से कम 10-11 लाख रुपए से ऊपर का ही पूरी कटरी क्षेत्र का। यानी काफी नुकसान हुआ आप लोगों का। इतना तो हम कम ही बता रहे हैं, तो अगर मौके पर मुआयना किया जाए तो बहुत ज्यादा बीज पड़ा। तो क्या मौके पर मुआयना करने कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा? लेकिन एक खेत दिखाई नहीं देगा ना कि यहाँ बीज पड़ा था वहाँ बीज नहीं पड़ा था। नहीं तो क्या मौके पर मुआयना करने अभी आप लोगों तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा? अभी तक तो हमारे यहाँ शायद कोई नहीं आया है। आप लोगों की सुध अभी कोई लेने नहीं आया है? सरकारी कोई व्यवस्था अब तक दी गई आप लोगों को? कोई व्यवस्था नहीं मिली है। जो भी आवागमन होता है पानी के अंदर से ही हो रहा है। अच्छा अच्छा, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है कि लोग पानी से आ जा रहे हैं। कैसी पोजीशन, कैसे आदमी आ जा रहे हैं, रोड के ऊपर से पानी बह रहा है।